जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। बड़ी खबर जालौन से। मजदूर ने मजदूरी मांगने पर नाक काटने का लगाया आरोप। उसने कहा कि मात्र 2000 रुपए की मजदूरी मांगने पर उसकी नाक काटी गई। घायल मजदूर को जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने एसपी जालौन रवि कुमार से पूरे मामले की शिकायत की। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। इस पूरे घटनाक्रम पर बोले अपर पुलिस अधीक्षक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच उपरांत विधिक कार्यवाही की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक ने नाक काटने के आरोप को निराधार बताया। जनपद जालौन के रेडर थाना क्षेत्र की घटना। इस मामले में जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए जानें कि क्या है पूरा प्रकरण। जी देवेश जी, बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या अपडेट है। जी रश्मि, ये पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा गांव से सामने आया है, जहां पर मजदूरी मांगने गए एक व्यक्ति की नाक काट ली गई है। हालांकि पीड़ित अपनी बाइट में बराबर आरोप लगा रहा है कि वो जब 2000 रुपये मजदूरी के मांगने गया है तो उसके साथ मजदूरी तो दी नहीं गई, उसके उल्टा उसको मारा पीटा गया है और उसकी धारदार हथियार से नाक काट ली गई है। फिलहाल उस घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर उसको इलाज देने में लगे हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीम चौधरी से जब हमने बात की तो उनका कहना यह था कि नाक काटने की बात गलत है। हालांकि उसको चोट आई है और उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस घटनाक्रम में सत्य क्या है, क्योंकि ये पुलिस जांच का विषय है। पीड़ित जिस तरीके से आरोप लगा रहा है उसके मुताबिक उसके साथ जो है जबरदस्ती की गई है और उसकी मजदूरी न देकर बल्कि उसकी नाक काट ली गई है। अब चूंकि ये प्रकरण इस तरीके से सामने आ रहा है, इसको लेकर कई वादे दावे आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसका खंडन भी बता रहे हैं कि इस तरीके की घटना नहीं हुई, दोनों शराब पीने के आदि हैं और शराब पीने के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ है, उसके बाद इसकी नाक में ये गिर गया है और उसके नाक में चोट लगी है। फिलहाल अब ये पुलिस जांच के विषय, जो भी होगा जांचों उपरांत इस पर विधिक कार्रवाई होना तय है। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? मजदूरी मांगने गए थे साहब, उसने मारा पीटा धार धार हथियार से नाक काट दी। काय का काम करते हो? मजदूरी मांगने गए थे। किस चीज़ की मजदूरी? काम कर रहे थे। किन्ने काटी? लालू। अच्छा, कितना पैसा था? कितना पैसा था? 2000 रुपए। क्या करते थे? मजदूरी काहे की लेने गए थे? मजदूर खेत की मजदूरी थी। अच्छा, खेत में उनके काम था। आपने पुलिस में शिकायत की है? बोलने कुछ नहीं सुनी था। कल कब की घटना है? शाम की। कल शाम की। किस थाने का मामला है? रेंडर थाना। क्या मामला है और कितना घायल? देखिए, हमारे पास जो मरीज आया है उसका नाम है जन्मेश, ठीक है, रेंडर थाने से आया है, 45 साल उम्र है। उसकी नाक कटी हुई है, ठीक है, जो लगभग 102 दिन पुरानी लग रही है बस, बाकी और उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब मामला क्या है ये तो पुलिस तय करेगी कि मामला क्या है। हम यहाँ पे हम इसका इलाज कर रहे हैं। सर, थाना रेडर क्षेत्र अंतर्गत एक मारपीट का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? ये कल की घटना दिनांक 18/9/22 की, थाना रेंडर के ग्राम भगवंतपुरा के निवासी जनवेद ने एक तहरीर सूचना दी कि मैं उन्हीं के गांव के लालू ने उनके साथ गाली गलौज करी, शराब के नशे में लालू था। जब गाली गलौज करने से मना किया तो उसके साथ मारपीट करने लगा। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो जनवेद है उनका मेडिकल कराया गया है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार नाक में चोट लगना पाया गया है। नाक काटने वाली बात असत्य है, आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।